हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो फाइनेंस के सेक्टर में है और काफ़ी बड़ी कंपनी है, लोन बुक भी काफ़ी बड़ा है और ये स्टॉक है कैपिटल फर्स्ट इंडिया लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है लगभग 557 के करीब चल रहा है। एक मीन्स साल भर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इस स्टॉक में ज़्यादा प्रेशर रहा है, वहाँ से नीचे आया था और इसने लो बनाया था लगभग 500 के नीचे। तो उस लो से फिर से ये स्टॉक ने बाउंस बैक किया है, तो मींस यहाँ से फिर से बाउंस बैक करने की तैयारी है। तो ये स्टॉक अगर कंटिन्यूस बाउंस करता है तो 650-700 के करीब भी जा सकता है। तो इसका मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये आज का चार्ट है जो काफ़ी अच्छा मीन स्टॉक चला है, लगभग 5% अप है। इसका अगर आप 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूस 800 के करीब था, वहाँ से नीचे आया है। तो एक नीचे का लेवल इसने 475 का बनाया था और वहाँ से ये फिर से जो है बाउंस बैक करने की तैयारी है। तो वही लेवल से नीचे से ये अब बाउंस बैक के ऊपर आया है। तो इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए थे मार्च क्वार्टर के, लेकिन फिर भी ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में था। लेकिन अब फिर से जून के क्वार्टर्स भी आने वाले हैं और ये जो कैपिटल फर्स्ट है इनका IDFC के साथ मर्जर होने वाला है और लगभग कंफर्म मर्जर है। इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अभी चल रहे हैं, लगभग 6 महीने के अंदर जो है कंफर्म हो जाएगा। तो इससे दोनों कंपनी को, IDFC और कैपिटल फर्स्ट, दोनों को फ़ायदा होने वाला है। और कैपिटल फर्स्ट करती क्या है, ये एक लोन प्रोवाइड करती है, जैसे होम लोन हो गए, मॉर्गेज लोन हो गए, SME लोन, टू व्हीलर लोन, ट्रैक्टर के ऊपर लोन, फोर व्हीलर लोन, मीन्स काफ़ी तरह के लोन्स प्रोवाइड करती हैं जिससे इनके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं फाइनेंशियल्स कंपनीज़ के। और इसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो FIIs और म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा स्टेक ले रखा है। और प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 35.53 के करीब है, बाकी पब्लिक की 33.28% की है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है मार्च क्वार्टर से, शायद इन्होंने सेल किए हैं कुछ स्टॉक्स। और अगर आप इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में 1026 करोड़ का टर्नओवर था, पहले 938 का था। और इसका अगर रिपोर्टेड टैक्स प्रॉफिट देखेंगे तो 114 था, पहले 81 का था। तो जून क्वार्टर के अभी आए नहीं हैं, अभी रिजल्ट्स और अच्छे आते तो इस स्टॉक में तो बाउंस बैक आपको इजीली 600 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये भी आप नज़र में रखिए स्टॉक को। और इसके जो म्यूचुअल फंड किस किस ने होल्ड कर रखे हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। आदित्य बिरला MNC फंड 3.53, आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ फंड 1.44, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड, रिलायंस आर्बिट्रेज फंड, HDFC इक्विटी फंड, कोटक सेविंग फंड, ICICI प्रूडेंशियल, SBI अपॉर्चुनिटीज फंड, UTI फंड, HDFC मिड कैप फंड, HDFC आर्बिट्रेज फंड, इडलवाइज, आदित्य बिरला बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज, एक्सिस। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इस स्टॉक को ले रखा है, रिलायंस, LNT, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सा, IDFC। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपने अगर लोअर लेवल्स पर ले रखा है लगभग 500 के करीब तो होल्ड करिएगा, काफ़ी बेहतर स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो आज इसी के बारे में बताना था। आप अपना रिसर्च ज़रूर करिएगा, जो फाइनेंशियल्स अब आने वाले जून के वो भी आप देखिएगा कैसे आते हैं, तो आप अपना उसी के हिसाब से एक्ट करिएगा इस स्टॉक में। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।